गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और सुबह हो चुकी है डे टू का। अभी मैं रामदाल इको फार्म पर ही हूँ। आप मुझे मेरे पीछे ब्यूटीफुल व्यूज देख सकते हो। पीछे से आपको पूरा का पूरा मतलब गांव सिलीगुड़ी भी कुछ पार्ट दिखता है और नेपाल का भी कुछ आपको माउंटेंस दिख जाएगा मेरे कॉटेज से। मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। अभी हम थोड़ा एक वॉक के लिए जा रहे हैं और बाद में आकर ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है? पहले उतना नहीं था, अभी हो रहा है। क्या बोलते हैं? पाइन कॉर्न। सो पाइन कॉर्न ये मतलब कुछ भी मतलब हैंडीक्राफ्ट में यूज होता है सजाने के लिए, और इसमें ऑयल भी निकलता है और बोला जाता है कि इसमें मेडिसिनल वैल्यू होता है। ये तो अभी बेचता है लोग हैंडीक्राफ्ट के लिए, वो क्रिसमस का वो डेकोरेशन के लिए ना थोड़ा बॉल्स बना के वो पाइन ट्री वो सेल करता है ना। हाँ हाँ, उसमें वो डेकोरेशन के लिए यूज करता है, सबके लिए सेल करता है। तो यहाँ तो फ्रेश सी ठंडी हवा और ये ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। हाँ, इधर से वो निकाल के बेचते हैं क्या? हमारे यहाँ भी मिलता है वो, मतलब लेकिन वो एक ही ब्रांच ऐसा रहता है, एक एक ब्रांच मतलब वो दूसरा वाला है, वो एक एक गैप करके ऐसा गैप बराबर के गैप में होता है ना, होता है वो, तो वो वाला होता है। मेरा भी नहीं करता ना उतना ज्यादा, अभी गैस वैस आ गया। जब सूरज की पहली पहली किरणें इन माउंटेन्स पर गिरती है ना, तो ये नज़ारा बनता है दोस्तों। चामुंग गांव विलेज देख सकते हो, और इधर से बहुत ही मस्त नज़ारा है। कैंप स्टे है वहाँ से ही एक रास्ता नीचे जाता है, उधर से आप थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए तो इस जगह पर आते हैं। इस जगह का हो जी कुछ नाम है ये जगह? हाँ, इसको तो हम लोग लोकली रमिते डाड़ा बोलते थे। मीन्स रमिते डाड़ा यानी कि व्यू देखने वाला एक जगह पॉइंट। ओके, रमिते डाड़ा बोलते थे। ओके, और लोकली है वो, उतना ज्यादा लोग भी नहीं आता है, सिर्फ लोकल को ही मालूम है जगह। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है। और चामुंग विलेज ना, चामुंग, और आप चामुंग विलेज का भी पूरा का पूरा मतलब आपको क्लियर नज़ारा यहाँ से मिल जाएगा। और नीचे छोटी का प्लांटेशन है थोड़े छोटे से एरिया में, और उसके नीचे बड़ा टी प्लांटेशन है, वो चामुंग टी प्लांटेशन है। चामुंग दोस्तों, नीचे आप जो देख रहे हो ये चामुंग टी स्टेट है, और वहाँ पर एक रिजॉर्ट भी है। और देखिए बहुत ही बढ़िया नज़ारे इधर से, खतरनाक व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और यह है चामुंग विलेज, चामुंग का एक विलेज, बहुत सारा विलेज है, ये एक विलेज है। ओके, और चामुंग में बहुत सारे और भी विलेजेस है, छोटे छोटे पैचेस के जैसे बीच बीच में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया व्यू। छोटा छोटा हाइकिंग करने के लिए अच्छा है यार। हाँ, सुबह उठ के फ्रेश एयर और व्यूज भी बहुत ही मजेदार है। अरे आगे का प्लांटेशन है क्या? ये नहीं, वो फ्लावर प्राइवेट लैंड। ओ, वही फ्लावर का है ना ट्री? नहीं नहीं, ये दूसरा है। इसमें छोटा छोटा फल रहता है। हाँ हाँ, सीड जैसा। ओके, वो बर्ड्स बहुत पसंद करता है। ओके, ये एक छोटा वाला है, एक दूसरा होता है उसमें थोड़ा बड़ा वाला होता है। दो वेराइटी है उसका। ये सब प्राइवेट टी
यहाँ पे टी प्लांटेशन का है नहीं, नीचे नीचे कहाँ से ये एक तो बीच में आ गया वो इस बढ़ाऊ प्लांटेशन हो जाए तो ज्यादा सप्लाई मिल जाएगा। ये मतलब वाटर पाइपलाइन की है ना, ऐसे ही दूर दूर से लाता है तो पानी। हाँ, हाँ। ये तो ये शायद वो दो थोड़ा स्ट्रीम बोला ना मैं, हाँ। वहाँ कहाँ से आया होगा, बहुत महंगा है वहाँ का। After experiencing these views, now you will never regret the amount of money you spent to come over here. So pleasing to eyes. Or a bahut hi khoobsurat Himalayan foothills ke forest. So beautiful. हमारी अच्छी खासी ट्रैकिंग हो गई फुट हिल्स ऑफ हिमालयन फॉरेस्ट में होजो भाई के साथ। देखिए पूरा का पूरा पाइन व्यू का फॉरेस्ट है, मतलब ये एक्चुअली कुछ सालों पहले इधर खेती हुआ करती थी लेकिन अभी लोगों ने थोड़ा छोड़ दिया है। लगता है होजो भाई भी मेरे साथ लोकल साइट सीइंग के लिए आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए उन्होंने काम के लिए बुलाया था, वो लोग नहीं आ रहे हैं। और मैं यहीं रॉ डिज़ाइन फर्नीचर के बारे में बात कर रहा था, आप देख सकते हो जितना हो सके नेचुरल रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं लोकल साइट सीइंग के लिए, हम नेपाल भी एंटर करने वाले हैं और नेपाल का कुछ मार्केट एरिया है वो भी देखेंगे और इधर का जो भी कुछ लेक्स हैं और कुछ व्यू पॉइंट्स हैं वो भी एक्सप्लोर करेंगे। मेरे साथ होजो भाई और उनकी जो वाइफ है वो भी आ रही है, साथ में चलेंगे ठीक है और इन्जॉय करते हैं। ब्रेकफास्ट हो चुका है फ्रेंड्स और मैं रेडी हो रहा हूँ लोकल साइट सीइंग के लिए, और ये है जिस कॉटेज में मैं अभी रुका हुआ हूँ उसके बालकनी से व्यू, टॉप मोस्ट व्यू आपको बोल सकते हो, वेरी नाइस। सो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं लोकल साइट सीइंग के लिए और हम जो भाई ने बोला है कि हम नेपाल भी एंटर कर रहे हैं और हमको आज गाइड करेंगे, आपका नाम क्या है भाई? प्रमोद। सर प्रमोद जी हमें आज गाइड करेंगे, हमारे गाइड है और वो हमें हमको सभी जगह पर घुमाएंगे। प्रमोद आपका है? प्रमोद सुब्बा। सुब्बा ओके, तो इनकी गाड़ी में हम जा रहे हैं और होजो भाई और उनकी वाइफ भी है साथ में। अभी होजो भाई का वेट हो रहा है, वो आने के बाद हम निकल पड़ेंगे लोकल साइट सीइंग के लिए। आप लोगों ने सुबह जब मैं ट्रैकिंग के लिए गया था होजो भाई के साथ तो आपने देखा रहेगा, और आप मेरे पीछे भी अभी देख सकते हो, पीछे थोड़ा सा ग्राउंड है, ये ग्राउंड का एरिया है और पीछे पाइन व्यूज़ का फॉरेस्ट है। यूजुअली यहाँ पर होजो भाई कैंपिंग और कैंप फायर का अरेंजमेंट करते हैं, अगर आप टेंट में रहना चाहते हो तो इधर भी आप टेंट में रह सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस है यहाँ, मैं आपको दूसरे कैमरा शॉट में दिखा देता हूँ। जब तक होजो भाई आते हैं तब तक आप ए व्यू का मजा ले लेना। फ्रेंड्स अभी होजो भाई के साथ हमारे
प्रमोद भाई भी है और होजो भाई की वाइफ भी है। हम सभी मिलकर अभी लोकल साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं। तो होजो भाई हाय बोलो। हाय। ओके चलो देखते हैं। दिस पाइन ट्रीज ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड मेक गेट अ ट्रीट टू आई स्काई सो प्रिटी। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जुर पोखरी। जस्ट वाव। 20-25 मिनट क्या रास्ता है? आधा घंटा ही बोल सकते तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं जोर पोखरी में। जोर का मतलब होता है दो और पोखरी का मतलब है पॉन्ड। सो आप मेरे पीछे में आपको दिखा दूंगा दो पॉन्ड है। Those pine trees in background increases the beauty of this view. So, दोस्तों अब मैंने पहले आपको दिखाया था वो पहला वाला पॉन्ड है और ये मेरे पीछे वाले आप देख रहे हो ये सेकेंड वाला पॉन्ड है। सो जोर पोखरी मतलब दो पॉन्ड। ओके वेरी वेरी गॉर्जियस प्लेस। बहुत ही सुकून है यहाँ पर। आप बहुत सारी सेल्फीज फोटोज या रील्स बना सकते हैं। ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है। बहुत ही पीसफुल सा माहौल है। आप ऐसे ही सुकून से बैठकर आप ये ब्यूटीफुल सा व्यू एंजॉय कर सकते हो। टू प्रीटी टू वॉच। Just look at them, isn't they pretty? दोस्तों ये आप देख रहे हो पहले से डाक बंगला कहा जाता था। इसके पीछे कुछ हॉन्टेड एक स्टोरी है। मैं भाई से पूछ लेता हूँ क्या है वो। भाई वो हॉन्टेड बंगले का मतलब क्या है? मतलब वो स्टोरी ऐसा था कि वो डाक बंगला करके एक स्टोरी था उसको सिलेबस में पढ़ना पड़ता था। तो कहानी बेसिकली क्या है कि वो कुछ लोग ट्रेकिंग के लिए आता है तो एक वो चौकीदार जो केयर टेकर होता है ना उसका बेटी के साथ लव हो जाता है तो वो थोड़ा प्रेग्नेंट हो जाता है। तो उसके बाद में वो तो एक्सेप्टेशन वगैरह नहीं होता। पुराने ज़माने में वो तो टैबू जैसा था ना। तो उसके वजह से डिप्रेशन होकर वो लड़की सुसाइड कर लेता है। तो उसके बाद में हॉन्टेड का कहानी का सिलसिला मीन्स वो है। लेकिन सच्ची घटना है बोलता है और इसलिए वो किताब में भी है। लेकिन सच्ची है नहीं है वो मालूम नहीं है लेकिन ये है। और डाक बंगला यही पे था। ये तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया अभी। पहले था पहले दूसरा वाला। स्टे ट्यून दोस्तों। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत मजा आने वाला है। कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब गाइस। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए आबाद रहिए। कीप ट्रैवलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग लव। गुड बाय।